हेलो फ्रेंड्स, मो चैनल रो विज्ञान विभाग को समस्त को स्वागत। आज आम विभिन्न प्रकार रो द्रवण विषय रे जानिबा सहित ता उपरे टिंडाल प्रभाव विषय रे जानिबा। एहा हेउचे कॉपर सल्फेट लवण। कॉपर सल्फेट लवण मध्यरु किछि नै ताहाकु एक बिकर रे थिबा जल सहित मिलाइबा। कॉपर सल्फेट जल रे द्रवणीय, तेणु एक समजातीय मिश्रण प्रस्तुत हेब। समजातीय मिश्रणर कणिका गुड़िकर व्यास एक नानोमीटर ठारु छोट, तेणु एगुड़िक खाली आखिरे देखा जाती ना। परिश्रवण पद्धति द्वारा द्रवणरु द्रवर कणिका मानंकु अलगा करा जाई पारिबो नाही। द्रवण को स्थिर भाव रखिदेले एहार द्रवर कणिका गुड़िक तले बसी जाती ना, तेणु द्रवण स्थायी अटे। कॉपर सल्फेट जल रे संपूर्ण भाव में मिलाई गला परे जल नीलवर्ण धारण करिबो। एबे आमे हैंडवाश मध्यरे थिबा अर्ध तरल पदार्थ को नै अन्य एक बिकर थिबा जल सहित मिलाइबा। बिकर रे हैंडवाश रो तरल पदार्थ मिसाइला परे एक काचरड साहाज्य रे ताहाकु घंटी संपूर्ण भावरे मिसाइ दबा। फळरे एक कोलोइडीय द्रवण प्रस्तुत हेबो। कोलोइड हेउची एक असमजातीय मिश्रण। कोलोइड कणिका गुड़िक बहुत छोट और एगुड़ी गोटी गोटी करी खाली आखिरे देखिबा अनेक क्षेत्र रे संभव हुए नाही। कोलोइड द्रवण को हलचल न करी रखिले मध्य एही कणिका गुड़िक तले बसी जाए नाही, तेणु कोलोइड संपूर्ण स्थिर अटे। परिश्रवण पद्धति द्वारा कोलोइड कणिका गुड़िक मिश्रण रु पृथक करा जाई पारिबो नाही। एहा हेउचि एक चक। आमे चक को नै गुंड करी अन्य एक बिकरे थिबा जल सहित मिलाई ताहाकु काच रोड साहाज्य रे घंटी दबा। फळरे एक सस्पेंशन द्रवण प्रस्तुत हेबो। सस्पेंशन एक असमजातीय मिश्रण जेउथिरे द्रव कणिका गुड़िक द्रवीभूत न होई द्रवण माध्यमरे सबुआड़े भासमान अवस्थारे रहिथाए। एबे आमे गोटे टर्च नबा एवं सस्पेंशन द्रवण मध्य को आलोक पकाइबा। आमे देखिबा को पाइबा जे सस्पेंशन द्रवण मध्य रे आलोकर गतिपथ स्पष्ट भावरे देखा जाउछि। एहा को कहा जाए टिंडाल प्रभाव, कारण सस्पेंशन मध्य रे थिबा कणिका गुड़िक आलोक रश्मि को विच्छुरित करुछन्ते। जेउ वैज्ञानिक एहा को आविष्कार करथिले तांको नाम अनुसारे एपरि टिंडाल प्रभाव नामकरण करा जाइछि। एबे आमे कॉपर सल्फेट द्रवण को नेबा एवं ता मध्यकु टॉर्च द्वारा आलोक पकाइबा। देखा जिवो जे कॉपर सल्फेट द्रवण मध्य रे आलोकर गतिपथ जणा पडु नाही। कॉपर सल्फेट एक समजातीय द्रवण हेथिबा जुगु ता मध्य रे थिबा कणिका गुडीक बहुत छोट, तेणु सेगुडीक आलोक रश्मि को विच्छुरित करि पारंती नाही, तेणु आलोक रश्मिर गतिपथ द्रवण मध्य रे दृश्यमान हुए नाही। एबे आमे कोलोइडीय द्रवण नै ता मध्य को आलोक टच द्वारा पकेबा एवं देखिबा को पाइबा जे द्रवण मध्य रे आलोकर गतिपथ स्पष्ट भावरे जणा पडु अछि, कारण कोलोइड द्रवण रो मध्य रे थिबा कणिका गुडीक आलोक रश्मि को सहजरे विच्छुरित करि पारंते। आलोकर एही विच्छुरित प्रक्रिया को टिंडाल प्रभाव कहा जाए। आजर भिडियो रे एतिके, पुणी देखा हेबा नेक्स्ट भिडियो रे।